राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। आज मैं आप लोग का साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आप दुकान से बाजार से 1 रुपया पैकेट, 2 रुपया पैकेट, 10 रुपया पैकेट अचार खरीदते हैं। पतली वाली ग्रेवी वाली अचार बनाना बिल्कुल ही आसान है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आजकल आम का सीजन चल रहा है तो आप आम सस्ता होता है और आप इस समय बनाएंगे तो एकदम घर जैसा अचार आपका बनेगा और वो भी कम दामों में। अब हम आधा किलो ये आम दिए हैं तो आधा किलो का आम का ये 1 किलो अचार हो जाएगा और ये बहुत सस्ता पड़ेगा और बनाने में बहुत कम पैसा लगेंगे। अगर हमारी कोई भी आप रेसिपी देखते हैं और उससे संबंधित कोई भी आपको सामग्री चाहिए तो मेरा वेबसाइट है zayajikadhaba.com, उस पर जाके यानी कि मेरे वेबसाइट विजिट करके आप वहाँ से सामग्री ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो हमें अपने रेसिपी का एक फोटो शेयर करें व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी है zayajikadhaba यूट्यूब। तो शुरू करते हैं पैकेट वाला मार्केट जैसा आम का अचार। तो सबसे पहले हम आम को छील देते हैं। ये देखिए ये आधा किलो से ज़्यादा का एक ही आम है और इसको सबसे बड़ा बात है आम का कि एकदम आम कच्चा होना चाहिए अचार बनाने के लिए। और वैसे जब हम ये पैकेट वाला बनाते हैं तो अगर आपको कच्चा आम नहीं, अगर मिक्स आम भी है, पका हुआ कच्चा जैसे पिज़्ज़ा हो जाता है उस तरह का भी है तो भी आप बना सकते हैं, इस अचार में कोई दिक्कत नहीं है। आम को हम छील देते हैं। ये देखिए हम आम को छील लिए हैं और ऊपर से हम पहले सबसे पहले इसको काट देते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा आम है तो इस तरह से आप काट दें, ये देखिए। और इसका हम बिल्कुल बारीक बारीक पीस बनाएंगे। आप चाहें तो इसको खलबट्टा में भी कूट सकते हैं और इसका एकदम बारीक बारीक भी पीस बना सकते हैं। तो हम इसको खलबट्टा में नहीं कूट रहे हैं, हम इसको बारीक बारीक, ये देखिए, इस तरह से हम पीस काट देंगे इसमें का। ये देखिए नीचे गुठली पड़ रहा है, इस वजह से बढ़िया से नहीं कटा। ये देखिए गुठली आ गया यहाँ पे। आपको इसमें से कैसे भी गुठली निकालना है तो आप गुद्दा जितना है वो जिस तरह से भी काट दें, सबसे पहले गुद्दा को काट दें, उसके बाद देखें कि कहाँ कहाँ पे गुद्दा बच रहा है। ये देखिए यहाँ पूरा गुद्दा ही है। ये देखिए हमने सारा गुद्दा निकाल दिया है, अभी गुठली को हटा देंगे और इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। अब देखिए कैसे इसको लाइन पतला पतला बना दीजिए ऐसे। एकदम बिल्कुल बारीक बारीक काटना है ताकि जब हम कढ़ाई में इसको रखें तो एकदम बढ़िया से ये मिल जाए फटाफट। और ऐसे करके ये देखिए इसको बारीक बारीक काटना है ऐसे। इसी तरह हम बारीक बारीक काट के कटने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, इसी तरह हम सारा बारीक बारीक काट देंगे। ये देखिए हमने आम को बारीक बारीक काट लिया है और इसके साथ हम मसाले क्या डालेंगे वो देख लीजिए। 1 चम्मच लाल मिर्चा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच काला जीरा, कलौंजी, मंगरैल जो भी आप बोलते हैं, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मेथी और 1.5 चम्मच सरसों पिसा हुआ, काला पीला कोई भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको और भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 4-5 पिंच हमने हींग दिया है और 1/2 छोटा चम्मच देगी मिर्च। इन मसालों को हम इसमें डालेंगे आम में। देखिए हमने चूल्हा जला लिया है, ये देखिए हमने कढ़ाई दे दी है चूल्हा जलाने के बाद और यहीं पे हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ये देखिए हमने जो बारीक बारीक आम काट रखा था उसको हम 1 घंटा धूप में सुखा दिए हैं
देखिए हमारा तेल हल्का गर्म हो गया है तो इसी में हम आलू को डाल देंगे। और इसको 2-3 मिनट हम भून लेंगे। ये देखिए हमने 2-3 मिनट आम को भून दिया है और इसी में जो हमने मसाले दिए थे उसमें हम डाल देते हैं। अब मसाले को हम मिला लेंगे और इसको लो फ्लेम पे 8-10 मिनट पका लेंगे ताकि जितना ये दाना दाना आपको दिख रहा है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत हद तक गल गया है और थोड़ा सा गलाना है इसको, तो थोड़ा सा हम गला लेते हैं और यहीं पे हम 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। यहीं पे हम 2 चम्मच विनेगर डाल दिए हैं और डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। इसको मिला देंगे। अब इसको आपको सर्व करके हम दिखा रहे हैं। इसको एक एयर टाइट डिब्बे में, कांच के डिब्बे में रख ले और धूप दिखाते रहे और खाते रहे। ये देखिए हमारा पैकेट वाला आम का अचार बन के तैयार हो गया है। इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी रेसिपी हमारी आम के अचार की हमारे दोनों चैनलों पर अपलोड है, तो आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।